हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीखेंगे होम टैब में फॉर्मेट सेल के बारे में, जो आता है सेल्स ग्रुप के अंडर। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे रो की हाइट को कैसे ऑटोफिट करते हैं और कॉलम की विड्थ को कैसे ऑटोफिट करते हैं दोस्तों। उसके बाद हम हाइट को, रो को कैसे हाइड करते हैं और रो को कैसे अनहाइड करते हैं। देखिए, है रो को हाइड और अनहाइड कैसे करते हैं, ये अनहाइड इधर है, और कॉलम को हाइड कैसे करते हैं और कॉलम को अनहाइड कैसे करते हैं। साथ में इसी के अंदर आता है सीट को हाइड कैसे करते हैं और सीट को अनहाइड कैसे करते हैं। अब ये रिनेम सीट, सीट के ऊपर नाम का ये देखना, सीट बन लिखा हो, इसको नाम कैसे चेंज कर सकते हैं। मूव और कॉपी, बिना कॉपी किए हुए इसी सीट के एक और सीट कॉपी बनाना, उसको हम कैसे करते हैं। ठीक है, साथ में कलर सीखेंगे, सीट पे कलर हम कैसे देते हैं। आप देखना, देखो सीट का कलर चेंज हो रहा, ग्रीन ब्लू जो करेंगे मैं वो होता रहेगा। ठीक है, साथ में प्रोटेक्ट सीट, ऐसा क्या हम करें जो कि सीट के अंदर कोई भी और कुछ नया टाइप ना कर सके, ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर दोस्तों सीखेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी न्यू वीडियो का आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए दोस्तों, बढ़िया अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी मैंने क्या हुआ, ये रो की हाइट को देखिए, इसमें डाटे में रो की हाइट क्या हुई, बड़ी हुई है। देख, ये जो है ये ऑटोफिट है, ये वाली हाइट है और इसकी जो हाइट है बड़ी हुई है। ठीक, मैं चाहता हूँ ये सारी रो की हाइट है कि ऑटोफिट हो जाए। एक तो हमारे क्या होता है, नॉर्मली हम इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऑटोफिट हो गई। ऐसा करने से हमें बहुत टाइम लगेगा, सारे डाटा बड़ा है तो सबको हमें एक एक करके क्लिक करना पड़ेगा। इसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है वो मैं आपके लिए बताता हूँ। पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, ठीक, और क्या लिखा है यहाँ पे ऑटोफिट रो। ऑटोफिट रो पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये सारी रो है सारी ऑटोफिट हो गई दोस्तों आपके मन में एक सवाल आता आ रहा होगा, ऑटोफिट तो ये हो गया, फिर ऊपर वाले का रो हाइट का क्या मतलब। ठीक, ये जो है ये हमारे रो की एक नॉर्मली हाइट बताता है कि अभी हमारी इस टाइम पे रो की हाइट कितनी है एग्जैक्ट टाइम पे। जैसे मैं अभी इस पर क्लिक करूँगा, आप देखना ईस्ट मैंने सेलेक्ट किया हुआ, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे रो की हाइट बता रहा है 36.5 है। ठीक, दूसरी रो पे मैं क्लिक करूँगा, देखिए इसकी हाइट जो है कम है, देख रहे हैं, और यहाँ पे क्या बताएगा, इसकी हाइट के बारे में बताएगा कितनी 18.5 है, वो 30.6 थी और ये 18.5, वो 36 थी और ये 18 है। ठीक, अब दोस्तों इसी के साथ मैं आपको साथ में शॉर्टकट की भी बताते चलता हूँ। ठीक, शॉर्टकट क्या होती है, इसको हम पहले कंट्रोल ए से इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट किया, ऑल्ट एच ओ प्रेस करूँगा, ठीक, उसके बाद ए प्रेस करते देख रहे हैं आप सारी रो ऑटोफिट हो गई दोस्तों। देखिए सारी ऑटोफिट है, मैं कंट्रोल जैसे अंडू कर देता हूँ इनको। ठीक है, अंडू किया, अब मैं बात करता हूँ इसमें कॉलम की। अब देख रहे हैं कॉलम में भी थोड़ा थोड़ा गैप है, ठीक है, तो इसलिए मैं आप रो को हाइट रो को ठीक कर देता हूँ। एक मिनट, कंट्रोल ए से प्रेस किया, ऑल्ट एच ओ ए, रो को मैंने क्या किया ऑटोफिट कर दिया। अब बात करते हैं कॉलम की, आप देख रहे हैं कॉलम में काफ़ी गैप दिख रहा है अभी मेरे लिए। ठीक, अब कॉलम को मैं कहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है, देखिए सारा हो रहा है। ऐसे करते करते मेरे को ज़्यादा डाटा बढ़ा है, ज़्यादा डाटा बढ़ा यहाँ तक है तो क्या होगा, बहुत टाइम लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जैसे पहले अंडू करूँगा और इस डाटा को कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करते ही फॉर्मेट सेल में जाऊँगा, फॉर्मेट सेल के बाद ये कह रहा है ऑटोफिट कॉलम, ऑटोफिट कॉलम विद, ठीक, कॉलम की विद क्या है हमें ऑटोफिट करना है। जो कॉलम विद है वो मैंने बताया था, जैसे रो की हाइट चेक करते हैं इसी कॉलम की विद हम चेक करते हैं कि कॉलम की विद कितनी है एक कॉलम की। ठीक, इस पर हम क्लिक करेंगे, देखिए क्या हो गया, ऑटोफिट हो गया, सारा कॉलम की जो विद थी सारी ऑटोफिट हो गई। इसकी भी शॉर्टकट की क्या है वो मैं आपके लिए बता देता हूँ। अब पहले मैं इसको थोड़ा सा बड़ा अंडू करता हूँ, देखिए आपको ना समझ आया, थोड़ा थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और बड़ा कर दिया मैंने। ठीक है, कंट्रोल इसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ऑल्ट एच ओ आई, देखिए ऑल्ट एच ओ आई दबाते ही क्या हुआ, कॉलम सारे, कॉलम की बदल जो क्या है ऑटोफिट हो गई दोस्तों। दोस्तों इसमें एक और ऑप्शन दिख रहा था, मैंने नीचे देखा था डिफ़ॉल्ट विथ, ठीक, डिफ़ॉल्ट विथ का मतलब होता है जैसे मैं ओके करूँगा, डिफ़ॉल्ट विथ कितनी होती है 8.9 होती है एक कॉलम की, वैसे बढ़ जाएगी और जो कॉलम की बदल वो डिफ़ॉल्ट जो आती है वो 8.9 है, उसके बाद आप बढ़ा के उसको कितना भी कर सकते हैं। ठीक, ओके करूँगा मैं, फिर फॉर्मेट सेल पर जाऊँगा, उसमें क्या है हाइड अनहाइड का ऑप्शन आता है, हमें हाइड अनहाइड के ऑप्शन में जाना, तो हमें क्या करना है अगर रो को हाइड करना है। ठीक है, देखिए मैंने पहले इसको कंट्रोल ऐसे सिलेक्ट हुआ हटाता हूँ, हटा दिया। अब मेरे को फाइव नंबर क्या आइए, देख फोर नंबर मेरे को क्या करना है हाइड करना, फोर नंबर हाइड करने के लिए मैं इसको क्या करूँ सिलेक्ट कर लूँगा, ना सिलेक्ट करोगे तब भी हाइड हो जाएगा। ठीक है, मैं सिलेक्ट कर लिया,
मैं क्या हुआ हाइड वाले ऑप्शन क्या हाइड रो। देखिए फोन नंबर क्या हुआ मेरा हाइड हो गया, इसमें क्या हुआ कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है अब जैसे ही अब मेरे को इसको करना अनहाइड करना, तो अनहाइड करने के लिए मेरे को क्या करना है अनहाइड रो, अनहाइड रो किया क्या हुआ देखिए आ गया दोबारा। ठीक है इसकी शॉर्टकट क्या होती है, इसकी शॉर्टकट क्या ऑल्ट एच ओ यू, ओ यू के बाद आर प्रेस करेंगे और ये हाइड हो जाएगा। देखिए फोन नंबर क्या हुआ दोबारा से हाइड हो गया, देख रहे हैं फोन नंबर आपको नहीं दिख रहा, थ्री दिख रहा है फाइव दिख रहा है, देखिए थ्री फाइव और थ्री, फोर नहीं है ये फाइव है और ये थ्री है, इसके अंदर फोर नहीं क्या हुआ हाइड हो गया। इसके लिए भी क्या करेंगे ऑल्ट एच ओ यू और क्या करेंगे अनहाइड के लिए ओ प्रेस करेंगे। ठीक है अनहाइड के लिए हम क्या करेंगे ओ प्रेस करेंगे या फिर फॉर्मेट सेल पे जाएंगे ऐसे करेंगे अनहाइड कर देंगे। सॉरी पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एक मिनट रो हाइड की। ठीक है अब रो को हमने क्या किया अनहाइड किया, अनहाइड भी हो गई दोस्तों। ठीक इसके बाद इसकी शॉर्टकट की थी वो ऑल्ट एच ओ यू और आर, क्या हुआ अनहाइड हो गई, नहीं सॉरी हाइड हो गई। ठीक है अब क्या हुआ हमारी शॉर्टकट की से ऑल्ट एच ओ यू आर से क्या होगी ये हाइड हो गई। अब ऑल्ट एच यू ऑल्ट एच ओ यू ओ यू उसके बाद ओ ऑल्ट एच ओ यू ओ वो से करेंगे तो क्या हुआ ये अनहाइड हो गई। ठीक अनहाइड की एक और दोस्तों शॉर्टकट की है वो क्या है हमारी ऑल्ट एच ओ, पहले मैं इसको हाइड कर रहा हूँ यू आर हाइड हो गई, देखिए चार नंबर नहीं दिख रहा यहाँ पे सीरियल नंबर चार देखिए थ्री फोर दिख रहा है। अब देखिए आप इस पर जाएंगे तो क्या हो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गैप दिख रहा है जो मैंने ये एरो आ रहा है इस पर हम डबल क्लिक करेंगे जो फोर और सिक्स के बीच में आपको गैप दिख रहा है इसमें हम डबल क्लिक करेंगे यदि क्या हुआ ओपन हो जाएगा और क्या हुआ अनहाइड हो जाएगा। अब बात करते हैं हम कॉलम की, ठीक कॉलम पर जाएंगे सॉरी कॉलम पर जाएंगे। ठीक है हमें कोई कॉलम हाइड करना है जैसे मैंने रीजन वाला कॉलम हाइड करना है तो क्या हुआ क्लिक करते ही रीजन वाला ऑप्शन हाइड हो गया। ठीक अनहाइड करने के लिए हम वैसे ही जाएंगे अनहाइड कॉलम, अनहाइड कॉलम हो गया इसकी भी शॉर्टकट की ऑल्ट एच ओ यू और कॉलम को क्या बोलते हैं सी, तो क्या करेंगे सी प्रेस करेंगे। ठीक सी क्या हुआ हाइड हो गया। ठीक और इसकी अनहाइड की शॉर्टकट की ऑल्ट एच ओ यू उसके बाद क्या लिखना है एल, हाइड लिखेंगे तो देखिए क्या हो गया अनहाइड हो गया दोस्तों। दोस्तों अभी आप देख रहे थे इस पर क्या यहाँ पे सीट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा था, हाइड सीट अनहाइड सीट का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्यों मैं अभी इसको आपके इसके बारे में आपको बताऊंगा। क्योंकि जब दो सीट होती हैं तभी हम एक सीट को हाइड कर सकते हैं, वरना एक सीट को हम हाइड नहीं कर सकते। अब आपको रो को कोई सी को हाइड करना है तो उसके लिए आप हो सकता है कंट्रोल लाइन से भी हाइड हो जाती है, कंट्रोल लाइन से हाइड हो गई दोस्तों। ठीक कंट्रोल अनहाइड करने के लिए इसको यहाँ डबल क्लिक करेंगे और क्या होगा अनहाइड हो जाएगी, क्या हुआ अनहाइड हो गई। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो में, ज़्यादा टाइम लगेगा वैसे। रिनेम, रिनेम सीट मतलब सीट का नाम हम कैसे लिखते हैं, सीट का नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे इस पर क्लिक करेंगे। ठीक अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया नाम आ गया, क्या हम लिख सकते हैं इसको फर्स्ट सीट, फर्स्ट सीट लिख दिया और क्या किया सीट के अंदर हमने क्लिक कर दिया वर्क बुक है उसके अंदर हम क्या किया क्लिक कर दिया और ये सीट का नाम सेव हो गया। ठीक सीट का नाम सेव हो गया आगे बढ़ते हैं, अभी आ रहा है मूव और कॉपी सीट। ठीक है अब मेरे को ऐसी ही सीट और चाहिए और यहाँ से क्या उन्हें कॉपी हो जाती है तो मैं क्या करूँगा इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही मेरे से पूछेगा फर्स्ट सीट या क्रिएटेड कॉपी, मेरे को कहना एक कॉपी इसकी बनानी है एक और कॉपी। ठीक डेट आर टू एक्सेल जो आ रहा है उधर टू बुक, ठीक ओके करूँगा एक और न्यू होगी, देखिए ये क्या था फर्स्ट थी और ये क्या होगी सेकंड सेम आ गई, देखिए ये भी है इस पर क्लिक करूँगा तो ये भी है सेम है बिल्कुल आपको कोई चेंज नहीं लगेगा। मैं चाहूँ तो इसको कलर चेंज कर दूँ जिससे आपको पता चले ये कौन सी और वो कौन सी। ठीक कंट्रोल वन प्रेस करूँगा और यहाँ पे कलर मैं दूसरा सेलेक्ट कर लूँगा येलो ओके करूँगा, देखिए इसका कलर दूसरा हो गया और इसका कलर दूसरा, मैंने कोई कॉपी पेस्ट नहीं किया इसमें विदाउट हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ सीट हाइड करने के बारे में, क्यों मेरे पास दो सीट आ गई तो इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ पहले सीट हाइड नहीं होती। ठीक है हाइड सीट, हाइड सीट पे क्लिक करूँगा देखिए क्या हुआ हाइड हो गई, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट सीट नहीं आ रहा जिस पे येलो मैंने चेंज किया था वो क्या हुआ हाइड हो गया।
अब अगर अनहाइड करना है तो इस पर भी आप क्लिक जाएंगे। अभी देखो आपको अनहाइड का सीट का ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब यहाँ पे आ रहा है, ठीक। ओके करेंगे और ये क्या होगा, देखिए फर्स्ट सीट क्या अभी हमारी हाइड है, इसको ओके करेंगे क्या होगी, अनहाइड हो गई। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में। देखिए अब बात करते हैं टैब कलर की, जो सीटें हमारी उनके कलर अभी क्या है, हम वाइट दिख रहे हैं। मान लो हमें इस सीट का कलर क्या है, ग्रीन करना है, क्या हुआ सीट का कलर क्या हुआ, ग्रीन हो गया, देखिए ग्रीन दिख रहा है। इस सीट का कलर मेरे को क्या करना है, रेड करना है। क्या करेंगे हम, टैब कलर पे जाएंगे, वहाँ पे करना है रेड करना, ठीक। एक और ऑप्शन होता है, आप चाहें तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। डबल क्लिक करते ही राइट क्लिक करेंगे, सॉरी राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर टैब कलर का ऑप्शन आता है, ठीक है। इससे भी आप इसमें कर सकते हैं, और सीट के नाम को चेंज करने के लिए भी आप चाहें तो इस पर डबल क्लिक करेंगे और कोई सा नाम लिख सकते हैं। मान लो इसको फर्स्ट आपको लिखना है, डबल क्लिक करते ही तो ये लिख के लिखें FIRST फर्स्ट, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर कुछ भी ना समझ आए वीडियो में तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ये मेरे लिए नहीं समझ आया तो मैं आपको दोबारा समझा सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रोटेक्ट सीट के बारे में बात करते हैं, ठीक। प्रोटेक्ट सीट जो है, देखिए इसको पूरे आप सीट को सिलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इस वाले ऑप्शन में जाएंगे प्रोटेक्ट सीट पे। आप प्रोटेक्ट सीट के ऑप्शन पे गए, उस पर क्या है, क्या मांग रहा है आपसे, पासवर्ड मांग रहा है, 1 2 3 4, मैंने पासवर्ड एंटर किया, ओके किया। अब क्या मांग रहा है, री एंटर मांग रहा है, 1 2 3 4, री एंटर किया और ओके कर दिया। ओके करते ही मैं इस पर कुछ भी लिखूंगा तो क्या लिखना नहीं आ रहा, ये पूरी सीट ही क्या हुई, प्रोटेक्ट हो गई, आप इसमें कोई भी एंटर चेंज नहीं कर सकते। देखिए मैं यहाँ पर भी लिखूँगा, नहीं लिख रहा ना, कहीं पे भी लिखूंगा, इसमें चेंज करूंगा, नहीं चेंज होगा, ठीक है दोस्तों। इसको कहते हैं प्रोटेक्ट सीट। अब इसको पासवर्ड को हटाना है तो क्या करना है, आप देख अनप्रोटेक्ट लिखना है, अनप्रोटेक्ट पे क्लिक करेंगे, 1 2 3 4 पासवर्ड डालेंगे और क्या हुआ, ओके कर देंगे। तो देखिए जो सारे अभी कॉलम थे क्या हुआ, एक्टिव हो गए, इससे पहले एक्टिव नहीं थे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, अगर आपने वीडियो से कुछ सीखा है तो आप प्लीज़ लाइक कर दें और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।